शतरंज की चाल हमारी शतरंज 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 की चाल हमारी शतरंज की चाल हमारी तू रंज न करना प्यारी तुझे जीत के ले जाएंगे देखेगी दुनिया सारी बदल के शतरंज की चाल हमारी तू रंज न करना प्यारी तुझे जीत के ले जाएंगे देखेगी दुनिया सारी शतरंज की चाल हमारी तू रंज न करना प्यारी तुझे जीत के ले जाएंगे देखेगी दुनिया सारी एक बार फिर तुम लोग नाकाम वापस लौटे हो एक बार फिर वो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंकर निकल गया इतनी बड़ी सीक्रेट सर्विस इतनी बड़ी तैयारी और सिर्फ एक हिंदुस्तानी एक मामूली सा हिंदुस्तानी गिरफ्तार ना हो सका कॉमरेड जनरल हमने बहुत कोशिश की मगर उसका हेलीकॉप्टर नहीं हम एक बार और मौका दीजिए सिर्फ एक मौका हम वादा करते हैं कॉमरेड पिंग कॉमरेड चांग और लेनजी को पेश किया जाए कॉमरेड चांग और कॉमरेड लेनजी जनरल कुरु आप लोगों को याद फरमा रहे हैं कर्नल चांग कॉमरेड जनरल मेजर लेनी कॉमरेड जनरल तुम दोनों को एक खास काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन तुम्हारे निकम्मे आदमियों का यह कारनामा है कि वो हिंदुस्तानी हमारे हाथ से फिर निकल गया वो हिंदुस्तानी जो छलावे की तरह हमारी सरहद में दाखिल होता है और हमारी पूरी हुकूमत को झंझोड़कर उन लोगों को आजाद करके ले जाता है जो हमारी तरक्की के दुश्मन हैं हमारी हुकूमत के दुश्मन हैं ये हिंदुस्तानी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है वो कहां से आता है कहां चला जाता है कोई नहीं जानता ना किसी को उसका नाम मालूम है ना किसी ने उसकी सूरत देखी है मैं पूछता हूं आखिर तुम लोगों ने किया क्या है अगर तुम लोग अपनी जिंदगी चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं
मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये हिंदुस्तानी है कौन। बस 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 देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूं, तुम सब मेरे साथ मिलके चुटकी बजाओ और ताली बजाओ। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। सुनो लाज लो तुम ये दिल की कहानी, सुनो लाड लो तुम ये दिल की कहानी, आएगी कल तुम पे नशीली जवानी, जमाने में देखो चलना संभल के, हाँ जमाने में देखो चलना संभल के, बितानी है तुमको यहाँ जिंदगानी। क्यों बच्चों समझे, आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। तुम्हारे ही हाथों में किस्मत तुम्हारी, तुम्हारे ही हाथों में किस्मत तुम्हारी, जमाने को जीते की हिम्मत तुम्हारी, हमारा तो क्या है रहे ना रहे हम, हमारा तो क्या है रहे ना रहे हम, जमाने को होगी जरूरत तुम्हारी, हाँ। आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, रोना सिखा दूं, फूलों की तरह मुस्कुराना सिखा दूं, कांटों में भी रह कर जीना सिखा दूं। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया क्या बात है, घर अपना काम तो आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की सेवा करना है। अच्छा जी हाँ, और मैंने देखा कि आप यूं अकेली बैठी हुई हैं, क्या आपको तन्हाई पसंद है? ओह नो, आइए बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। आप इसी होटल में रहते हैं? जी, जय कहते हैं मुझे। और आप? सुजी, मैं भी यही रहती, कमरा नंबर 400। कभी आइए ना। आने को तो मैं कभी भी आ सकता हूँ साहब, मगर। मगर क्या? आपकी नीली आंखों से डर लगता है। इनकी गहराइयों में तो कोई भी डूब सकता है, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वैसे ये आपका शौक है या पेशा? जी, मेरा मतलब है फोटोग्राफी। ओह, सिर्फ शौक? तो शौक फरमाइए, मुझे तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है। सच? जी हाँ। तो आइए आपका शौक पूरा किए देते। चलिए, आप तस्वीर बनाए और मैं तस्वीर बनूं, क्या बात। यहाँ खड़ा हो जाऊं? मगर देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी आनी चाहिए कि जिंदगी भर आपको याद करूं। ओके। कैफ हालकुम या हबीबी, मन फोटोग्राफम, मन फोटोग्राफम। हे फोटोग्राफम, कौन हो तुम, दफा हो यहाँ से। न दफा न दफा, अल शेख अरबस्तान।
अल रेगिस्तान, अल कुर्बान, अल खजूर, नजर बद्दूर। ए नजर बद्दूर, अगर तू नजर बद्दूर है तो मैं चश्मे बद्दूर हूँ, हट यहाँ से। अल हंगामा, पीला टी शर्ट, आधा चड्डियम। तुम समझता तुम हमसे ज्यादा खूबसूरत, हम तुमसे ज्यादा खूबसूरत, मन फोटोग्राफ हम हसीन। अभी निकालता हूँ तेरा पसीना। हुंडे हुंडल 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 हुंडा, लुच्चे लुच्चल 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 लुच्चा। अबे शोदे शोदल 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 शोदा। अभी भेजता हूँ तुझे अरबस्तान। ये अल्लाह, तुम हमको अरबस्तान भेजता? हाँ वल्लाह हम तेरे को कब्रिस्तान भेजेगा। ये देखो मेरा कैमरा पानी में गिर गया। घबराइए नहीं मेम साहब, अभी लाता हूँ। क्या मुसीबत है। ये लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। हाय हाय। देखे बॉस, क्या हंगामा एक्टिंग किया था मैं? अरे तेरा जवाब नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मैंने भी कुछ कम नहीं किया। कैमरा गया मेम साहब के साथ और फिल्म आ गई हमारे हाथ में। ये देख अदेले, इसका मतलब ये हुआ कि वो रूम नंबर 420 वाली मेम साहब जासूस थी। अरे जासूस थी नहीं, जासूस है। ऐसा लगता है कि हमारे पुराने दुश्मन फिर से हमें बुरी तरह याद कर रहे हैं। ओहो हो हो। कॉमरेड चांद रिपोर्ट। मैंने उस हिंदुस्तानी का पता लगा लिया। गुड, वेरी गुड। मैंने उसकी तस्वीर भी लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। अच्छा, तुम एक काम करो, स्काई की तरह उसके साथ लगी रहो और हमारे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। ओके ओके। अब वो मेरी नजर से बच के कहां जा सकता है? अच्छा, तो वो हिंदुस्तानी पहचान लिया गया। बहुत खूब कॉमरेड जनरल, हुक्म हो तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। नहीं, मैं उसे यहीं देखना चाहता हूँ। यहाँ कॉमरेड जनरल? हाँ हाँ, यहाँ। मैं उसे गिरफ्तार करके यहाँ के बाजारों, गलियों और सड़कों पर जलील करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उसे कुत्ते की मौत मार डालूंगा। लेकिन कॉमरेड, मत आओ। कॉमरेड पेंग, अंदर आओ। इस अखबार में छपी हुई तस्वीरें इन्हें दिखाओ। अच्छी तरह से देख लिया? हाँ कॉमरेड जनरल। ये लड़की हिंदुस्तान की एक मशहूर कलाकार है, इसके साथ इसकी माँ है। एक डांस के प्रोग्राम के लिए इस वक्त ये हांगकांग में है। अब उल्लू की तरह देख क्या रहे हो? क्या ये दोनों माँ बेटियां उस हिंदुस्तानी को हमारे जाल में लाने के लिए काम नहीं आ सकती? Thank you.
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। थिएटर में हंगामा, कुमारी मीना और शारदा देवी गायब। आज की ताजा खबर, कुमारी मीना और शारदा देवी गायब। हांगकांग के थिएटर में हंगामा। नाच शुरू हुआ, लोगों के दिल तड़प उठे। मीना देवी की कला को देखने वाले किसी और ही दुनिया में खो गए, अपने आप को भूल गए, और अभी वो संभलने भी नहीं पाए थे कि अचानक थिएटर की रोशनियां गुल हो गई। चारों तरफ एक शोर सा मच गया, लोग अफरा तफरी में इधर से उधर भागने लगे। श्रीमती शारदा देवी और कुमारी मीना गायब हो चुकी थी। बोला बोला हुजूर, बोला बोला हुजूर, हुजूर क्या हुआ हुजूर? बोला शारदा मीना हुजूर, उन्हें क्या हुआ हुजूर? दुख सागर
आप लोगों की तबीयत तो अच्छी है ना? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जगह भी पसंद आई होगी। क्या चाहते हैं आप? मतलब की बात कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी तजवीज के बारे में आपने क्या फैसला किया। आपकी तजवीज? आपका मतलब है कि मैं रेडियो पर दुनिया के सामने ये बयान दूं कि मैंने और मेरी बच्ची ने अपनी मर्जी से अपने आप को आपकी हुकूमत के हवाले कर दिया है? इतना बड़ा झूठ बोलूं मैं? झूठ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बयान है। आप हमें जबरदस्ती हांगकांग से यहाँ उठा लाए हैं बिना किसी कसूर, बिना जुर्म के। हमारे साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। अब आप अपने जुल्म के इस दाग को छुपाने के लिए चाहते हैं कि मैं दुनिया भर के सामने झूठ बोलूं, आपके काले कारनामों पर पर्दा डालूं? मैं पूछती हूं क्यों, किस लिए? सवाल पूछना हमारी आदत है, जवाब देना नहीं। हम आखिरी बार पूछते हैं, क्या फैसला है आपका? जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश में सच्चाई की पूजा होती है। सच के सिवाय जबान पर कुछ नहीं आ सकता। आपकी जिद हमें सख्ती पर मजबूर कर रही है। तैयारी करो। कॉमरेड मीना को बाहर ले जाओ। ईश्वर के लिए मेरी माँ पर कोई जुल्म मत कीजिए। माँ, माँ, ईश्वर पर भरोसा रखो मेरी बच्ची। क्या करना चाहते हो तुम लोग? मेरी माँ पर जुल्म मत करो, छोड़ दो मेरी माँ को। ये सब कुछ आपकी मौत के लिए नहीं, इसके छूते ही आपके दिमाग के तार झनझना उठेंगे। आप तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, मौत को आवाज देंगे, लेकिन माफ नहीं आए। नहीं, नहीं। ईश्वर के लिए मेरी माँ को दुख मत दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप जो चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, छोड़ दीजिए इन्हें। तुम माँ से ज्यादा समझदार मालूम होती, हमारे कुछ सवालों का जवाब दोगी? क्या चाहते हैं आप? तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी से अपने आप को हमारी हुकूमत के हवाले कर दिया, इकरार करती हो? तुम दोनों यहां रहकर बहुत खुश हो, ठीक है? हाँ। और इस खुशी को हमारी पब्लिक पर जाहिर करने के लिए तुमने हमारे लोटस थिएटर की स्टेज पर काम करना मंजूर कर लिया है, ठीक है? मंजूर है। तो हम वादा करते हैं कि जब तक तुम हमारी बात मानती रहो तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बड़े आराम से रहेंगी, लेकिन हमारी इसी जेल। कॉमरेड लंजी, फौरन रेडियो पर ऐलान करवा दो कि कुमारी मीना हिंदुस्तान की मशहूर कलाकार और उसकी मां ने अपने आप को अपनी मर्जी से हमारी हुकूमत के हवाले कर दिया है। झूठ है, सरासर झूठ है, ये कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। शारदा और मीना कलाकार है, गद्दार नहीं। आज पूरी दुनिया की हमदर्दी आपके साथ है। देश, प्रेस, पब्लिक, हर शख्स जानता है कि दुश्मन की इस हरकत के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ठाकुर साहब, क्या आप बता सकते हैं दुश्मन ने आप ही की बीवी और बेटी को क्यों चुना? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ नौजवान, मैं भी उसी उलझन में हूँ जिस उलझन में आप हैं। ठाकुर साहब, कुमारी मीना ने शॉर्ट थिएटर में काम करना मंजूर कर लिया है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मीना एक मासूम और भोली भाली लड़की, इसमें जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, उस पर कोई दबाव डाला गया। सवाल इस वक्त मेरी बीवी या मेरी बेटी का नहीं, सवाल है इंसानियत का। और जिस कौम ने इंसानियत खो दी हो उस कौम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठाकुर साहब, एक दुश्मन के अखबार का कहना है कि शारदा देवी और कुमारी मीना दुश्मन की देश में इसीलिए चली गई हैं कि वह भारत में खुश नहीं थी। ओहो, आप इस तरह तड़पा तड़पा कर मेरे जज्बात से क्यों खेलना चाहते? मैं कह चुका हूँ कि मेरी बीवी और बेटी कलाकार है, गद्दार नहीं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। मेहरबानी करके आप मेरे हाल समझे। ठाकुर साहब, मैं कह चुका हूं अब मुझमें किसी सवाल का जवाब देने की ताकत नहीं रही, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। मैं आपसे किसी सवाल का जवाब देने नहीं आया। तो फिर क्यों आए? मैं तो आपके उस सवाल का जवाब देने आया हूं ठाकुर साहब, जिसने एक ही दिन में आपकी जिंदगी के हजार दिन कम कर दिए। मैं कुछ समझा नहीं, कौन हो तुम? मेरा नाम जय है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद किस लिए? मैं आपसे वादा करता हूँ ठाकुर साहब, एक महीने के अंदर अंदर
आपकी पत्नी और कुमारी मीना को हिंदुस्तान वापस ले आऊंगा। बहुत ऊंची बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ठाकुर साहब। मौत से खेलना चाहते हो नौजवान, तुम नहीं जानते वो कितने खतरनाक लोग हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं। लेकिन इस काम के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है ठाकुर साहब, आप सिर्फ उनके नाम मुझे खत दे दीजिए ताकि मुझे वो गैर न समझे। ये लो बेटा, अब मुझे इजाजत, जरा ठहरो मेरे साथ हो। मां, ये नौजवान एक बड़े खतरनाक सफर पर जा रहा है, इसकी रक्षा करना मां। ये लो बेटा, ये हमारी खानदानी निशानी है, इस निशानी को देखते ही वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो। ठाकुर साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी खोई हुई खुशी को वापस ला सकूं। जय, तुम्हारे नाम में ही जीत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। कहिए यार, खरियत से तो हैं? अजी, जब तक आप इस दुनिया में मौजूद हैं बस खरियत ही खरियत है। देख लीजिए इस वक्त कितने मजे में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ठीक है, आप ऐश कीजिए, मैं जा रहा हूं। जा रहे हो कहां? पहले हवाई जहाज से हांगकांग, फिर पानी के जहाज से सीधा। फिर मेरा क्या होगा? फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए सूजी को छोड़े जा रहा हूं। सूजी? ओह नो, ओह यस। मुझे इस बिल्ली के गले में घंटी बना के डाल देना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। क्या बकते हो, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी। याद है 2 साल पहले तंसूरिया में हमने एक जासूस लड़की को चक्कर में डाला था? बस उसी चक्कर में सूजी को डालना है, और तुम होके घनचक्कर की तरह बात कर रहे हो। अरे वाह, तुम मुझे घनचक्कर कह रहे हो? बंदा परवर, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं इस तरह भेष बदल के यहाँ कैसे बैठा होता। तो जल्दी कीजिए, सूजी किसी वक्त भी आ सकती है। शायद सूजी आ गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे कहा मियां, बिल्ली नहीं चूहा था, आ जाओ बाहर। चूहा था क्या?
हाँ सबके जाओ, मेरी तो निकली गई थी जान। मगर डर के मारे ये हुलिया क्यों बदल दिया? जय हजरत, अगर मैं हुलिया नहीं बदलता था तो दो दो जय को देखकर सूदी के चक्कर में अपना चक्कर उल्टा हो जाता था ना। अच्छा अमीर, अब सुन, तुम्हें बैरा बनकर इसी होटल में रहना होगा और साथ ही साथ मेरी शक्ल में जय बनकर सूजी को चक्कर में डालना होगा ताकि उसे बिल्कुल शक ना हो कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, समझे जनाब? और ये काम तुम ही कर सकते हो मेरे दोस्त। हाँ, अब तो आ ही गई, तुम फिर उल्टी बदल जाओ। हाँ। कहाँ जा रहे हो भाई? बिल्ली आ रही है भाई, मैं मेरी मुर्गी संभाल लू। अरे जल्दी करो मियां, वक्त बहुत कम है। रेडी बॉस, बिल्कुल तैयार। गलती हो गई, मेरा मतलब है रेडी बॉस। अच्छा अच्छा, ये घड़ी रख लो और जब भी इस पे अलार्म हो समझना तुम्हारे लिए पैगाम है। अब जाओ और सूजी को नीचे ही घेर लो और देखो उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां से जा चुका हूं, समझे मियां? मुझे समझा रहे हो बस? अब देखना ये मियां उस म्याऊं को कैसे ट्यांग करता है। खुदा हाफ, खुदा हाफ। मिस सूजी। यस। क्या वही था? हाँ, मैं ठाकुर साहब के घर से उसका पीछा करती आ रही, ये वही है, वो आ रहा है, अब तुम जाओ। हाय जय। हाय सूजी। क्या बात है, आज तो क्यामत नजर आ रही हो, क्यामत। आज आप भी तो नए अंदाज में नजर आ रहे हैं जी। ऐसी तो कोई खास बात नहीं, कहीं जा रहे हैं या? हाँ, जा तो रहा था क्लोपेट्रा से मिलने, मगर अब तुम मिल गई हो तो क्या जान। चल बस, औरत की कमजोरी अच्छी तरह जानते ही आप। अगर यही बात है तो चलिए एक दौर डांस का हो जाए। चलिए चलिए। ये क्या शरारत है, सब लोग देख रहे हैं। हाँ। तो फिर चलो समुद्र किनारे जहाँ हम हूँ और तुम। बड़े जल्दबाज हो। क्या करें मैम साहब, उम्र ही ऐसी। Your attention please. Air India announced the departure of flight number 128 to Hong Kong. Passengers bound for Hong Kong are requested to proceed to the aircraft. Thank you. The plane for Hong Kong is now ready to leave. गुड लक। कौन है? अरे होगा कोई। गुड लक, हैप्पी लैंडिंग। की प्लीज। मिस सूजी, डार्क ग्लासेस आपको कई बार टेलीफोन कर चुके हैं, उन्होंने आपसे टेलीफोन करने के लिए भी कहा है। थैंक यू। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं। थैंक यू। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट मैडम। 420 हेलो, कनेक्ट मी टू 777-3-4। थैंक यू। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर डार्क ग्लासेस? मैं गोल्डन हेयर बोल रही हूँ। ओ, यही आ रहा है। गुड।
माफी लाया हूँ मेम साहब, मगर मैंने तो मुझे मालूम है मेम साहब आप इतनी रात को थक को आए थी, एक प्याली काफी पियेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी और थरावट आ जाएंगी मेम साहब। अब आप ही बोलो ये काफी ही काफी है या काफी के साथ काफी कुछ। अच्छा इसे रख दो और तुम जाओ। अच्छा मेम साहब जाए मेम साहब। मैं आज शाम को देखा मेम साहब अप्पे और जय साहब क्या चिपक को डांस कर रहे थे भाई। उसके बाद अप्पे दोनों अकेले में। शट अप माइंड योर ओन बिजनेस। बिजनेस की तो बात कर रहा हूँ मैं। जय साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा क्या कह रहे थे? उन्हों बाता कम कर रहे थे, फुदक रहे थे ज्यादा। कभी आ करते कभी वाह। जय मेन साहब एक ही दिन में अपने उनका मुर्गा बना डाले ना। मेन साहब ये जय साहब का प्यार करने का अंदाज कैसा लगा आपको? अंदाज वाह क्या बात है। के जाऊं मैं, उन्होंने भी ऐसी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वाह क्या बात है, हंगामा है वही। अच्छा क्या वो तुम्हें ऐसी बातें भी बता देते हैं? जी हाँ मैम साहब, मैं उनका खासुल खास चमचा बैरा हूँ मैम साहब। उनकी कोई बात मेरे से नहीं छुपी हुई है। मगर बैरा ये जय साहब कौन है, उनका बिजनेस क्या है, उनसे मिलने कौन कौन आता है और... बड़ा कीमती सवाल पूछ लिया मैम साहब। अपे तो समझदार है मैम साहब, हर बात की एक कीमत होती है। मुंह की बात नहीं समझे क्या? इशारा समझते? ओ लो। अरे चुप क्यों हो? मैम साहब ये जय साहब है ना, तुम मेरी जबान को एक गंदी आदत डाल को है। जब तक 50 रुपये नहीं मिलेंगे ना इन्हें खुलती नहीं। मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जबान। अच्छा ले अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? यही जय साहब के बारे में। हाँ उन्हों बड़े रईस आदमी। ओहो ये तो मैं जानती हूँ, कुछ और बताओ। मेम साहब माफ करना मेम साहब, अबे बुरा नहीं मानना मेम साहब, जय साहब दिन रात चक्कर में रहते हैं, हो सकता लड़की का चक्कर। इसके सिवा और भी कोई चक्कर है? बैरा यस अब तुम जा सकते हो। गुड नाइट मेम साहब। गुड नाइट सर। जय यहाँ से रवाना हो गया है। रात के 11:30 बजे मैंने उसे हांगकांग के हवाई जहाज में सवार होते हुए देखा। पागल तो नहीं हो गए हो? रात के 2 बजे तक तो वो मेरे साथ था। रात के 2 बजे तक वो आपके साथ था? हाँ। मगर मैंने उसे अपनी आंखों से जाते हुए देखा। ये कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले वो यहाँ से अपने कमरे में गया है। कमरे में गया? हाँ। चल के देख लेना क्या हर्ज है। माफ करना मैम साहब, मैं सोचा आपका मेहमान आको है, थोड़ी सी इनकी भी कर दूं। खातर बैरा क्या नाम है तुम्हारा? मैम साहब गरीब को अमीर बोल रही। ओ अमीर मेरा एक काम कर दोगे? जय मैम साहब आप ऐसे अंदाज में बोल रही मेरा पसीना छूट गया है, क्या बड़ा काम है क्या? मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जय साहब के कमरे की चाबी चाहिए। मुश्किल काम है मैम साहब, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा प्योर नॉन वेजिटेरियन आदमी है उन्हों कच्चा खा जाएंगे मेरे। कोई फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे बाबा का राज है क्या? जय तुम्हें तो ऐसी बात कर रही कि ये होटल के मालिक भी तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा। वाह 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 क्या जबान है, तुम्हें भी यही जबान सीख लो ना, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ का इशारा है। ये लो मैं था। मरगा मरगा हम बेवकूफ की तरह खेल लेकर क्या खड़े, रख दो यहाँ और चला मेरे साथ, सच और झूठ का पता चल जाए। इडियट, यूं ही आधी रात को मुझे परेशान किया। Thank you.
तुम्हारे जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है जय। थैंक यू कैप्टन, मैं भी जाने के लिए तैयार। जय, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। तुम अभी नौजवान हो, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है और तुम हमेशा अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हो। आखिर क्यों, किस लिए? कैप्टन, किस काम की वो जिंदगी जिसका कोई मकसद ना, और फिर आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी से अगर मैं अपने देशवासियों के कुछ भी काम आ सका, मुझे अपनी जिंदगी पर नाज होगा कैप्टन। भाई साहब, आप जा रहे हैं? हाँ सर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार, अब चलना चाहिए। चलिए। अच्छा कैप्टन, बेस्ट ऑफ लक। जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको बुला भेजूंगा। और हाँ सलमा, तुम मुझे उसी पुराने होटल में मिलोगी, इस दफा कैबरे डांसर बनकर। अच्छा भैया, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तुम्हें पियो, तुम्हारा बचा कुचा मैं पीऊंगा। हम नहीं पिएगा, हम तुमसे नाराज है। नाराज? मैम साहब ऐसा मत बोलो मेरे साथ। एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ को तुम्हें रास्ते में छोड़ डालेंगे तो ऐसा कैसा चलेंगे? तुम्हारे प्यार का बोझ मैं अकेला कैसा उठाऊंगा भाई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेम साहब, तुम्हें पहले मिलेंगे। जो हम नहीं जानते, हम तुम्हारे साथ डांस किया, प्रेम का नाटक किया, और एक तुम है कि हमको जय साहब के बारे में कुछ नहीं बताता। मैं कैसे बताऊं भाई, तुम्हें एक इस टाइम में मेरे से भी प्यार करते हैं, उधर भी लाइन मारते, तुम्हें दो घोड़े की गाड़ी चलाना मानते हैं, मेरे को तो मेरी किस्मत फिर रोना आ रहा है। तुम घबरा मत, हाँ तुमको छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा। सच्ची? सच्ची। एक बार डार्लिंग बोलो ना। डार्लिंग? क्या जल्दी में बोल दिए भाई, जरा डार्लिंग का डाल लंबा करके बोलो ना। सदके जाऊ मैं, मर गया मैं। जय मेम साहब, मेरी अम्मा की कसम,
बात सीधा यहाँ आपको लगती है। अब जो तुम्हारे को पूछना है तुम्हें पूछ लो, तुम्हारे को जो मालूम कराना है तुम्हें मालूम करा लो। आज से मैं नमक हराम हो गया, प्यार किया तो डरना क्या, तुम्हें मुगले आजम नहीं देखे? नहीं नहीं, चलो जाने दो फरवान। अम्मी हम सुना तुम्हारा जैसा हिंदुस्तान से बाहर बहुत जाता। उन्हों बहुत बार बाहर जाते हैं, एक साल में 7-8 बार जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, हगोंडा जाते हैं, वगोंडा जाते हैं, होंडा जाते हैं। डार्लिंग फिर बाहर कब जाएगा? कौन से डार्लिंग की बात कर रही, ये डार्लिंग या वो डार्लिंग? जैसा मेरे को मालूम नहीं भाई, जब भी मालूम होएगा ना भाई तुम्हारे को आके पहले बताऊंगा। सच्ची सच्ची प्रॉमिस प्रॉमिस। ये आवाज क्या आता? मैं अलार्म लगा को रखा था, ड्यूटी का टाइम हो गया ना। अच्छा। मैं जाता हूँ, कल यही टाइम पे आऊंगा, सदके जाऊंगा, मर गा मैं। डार्लिंग गुड नाइट, गुड नाइट स्वीट डार्लिंग। हेलो 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 हेलो, मैं रॉकेट बोल रहा हूँ। मैं आइटम बम बोल रहा हूँ। मैं यहाँ सही सलामत पहुँच गया हूँ। वहाँ तुम्हारी बिल्ली का क्या हाल है? बिल्ली चक्कर में आ गई है, उन्हें समझ रही है कि आप अब तक इधर ही थे। वेरी गुड, चक्कर चालू रहे। और सुनो, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। एनी लेटर्स फॉर मी? वन मोमेंट प्लीज। ये रहे आपके कागजात और ये कमरे की चाबी। थैंक यू। सॉरी नो लेटर। ये मेम साहब कौन है? सलमा, हमारे होटल की नई कैबरे डांसर। ओह सलमा प्लीज। यस सलमा, इनसे मिलिए, मिस्टर शिनराज, हांगकांग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? हाउ बोरिंग, हाउ बोरिंग। कौन था? जनरल कोलून। इतना हंगामा क्यों था? इसलिए कि उसका सूरत कोई नहीं देख सकता। अच्छा जी, उसका सूरत कोई नहीं देख सकता। देखने का मतलब है
अभी तक कुछ नहीं हो सका। नहीं कॉमरेड जनरल, वो बिल्ली की तरह उस हिंदुस्तानी का पीछा कर रही है। वो हिंदुस्तानी अभी वहां से रवाना ही नहीं होगा। कॉमरेड जनरल, हमने उसके नाम का पता भी लगा लिया है। उसका नाम है जय। ओ, तो हमें उसके नाम का पता लग गया है, बहुत खूब। उसके बाप का नाम क्या है? दिलावर सिंह। और माँ का नाम? दुलानी। मोहम्मद, तुम बिल्कुल गधे हो। मुझे उस हिंदुस्तानी की जरूरत है और तुम उसके बाप दादा और परदादा का नाम लेकर आ गए हो। अब इंतहा हो चुकी है। मैं उसे जहां देखना चाहता हूं, अपने पंजे में। मीना, आज तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा डांस काफी कामयाब रहा। हाँ जेनी, मगर तुम जानती ही हो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। माँ जेल में है और मैं लोगों को खुश करने के लिए नाच रही हूँ। ऐसी हालत में तुम्हारा सहारा ना होता मैं तो शायद पागल ही हो जाती। कई बार तुमसे कहा है, ज्यादा सोचा मत करो।
लोटस वाली। अम्मा 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 जाइए जाइए। कॉमरेड मीना, ये है मैडम चुमकिंगली, ये आपके साथ नौकरानी बनकर रहेंगी। मगर क्यों? अंदर चलिए, सब बता दिया जाएगा। आइए। मैं अपने कमरे में जाऊं। मैं कहती हूं मुझे नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम मैं खुद कर सकती हूँ। हमारी हुकूमत अपने मेहमान का पूरा पूरा ख्याल रखना अपना फर्ज समझती है। हाँ, इसीलिए तुमने मेरी माँ को जेल में डाल रखा है। मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकती, अपने पिताजी को खत भी नहीं लिख सकती, और अब तुमने इसे साया बनाकर मेरे पीछे लगा दिया ताकि मैं तन्हाई में अपने दुखों पर रो भी न सकूं। तुम रो भी सकती हो, हंस भी सकती हो, लेकिन कॉमरेड हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, घर के अंदर भी घर के बाहर। हम कोई नहीं की नहीं। ओ, दस वाली, तुम हिंची जी जी? क्या बोल रही है? लोटस वाली ने गाड़ी भाड़ा 2 yen कम दी दिया। देखो तुम झूठ बोलता है, तुमको गिनती करना नहीं आता। क्या बोलता? हम तुमसे अच्छा गिनती जानता कामरेड, हम हर रात को 7 लड़की 8 लड़का 4 बीवी को खड़ा किया। 4 बीवी? तुम्हारे पास कितना? हमारे पास तुम इसका बीवी लगता है एक भी नहीं है, ऊपर से मेरे को गिनती सिखाता। हाँ लोटस वाली, बुड्ढे को चकमा देने की कोशिश मत करो, लाओ 2 yen। क्या मैंने सचमुच कम दिया? तो मैं सचमुच झूठ बोल रहा हूँ? कहाँ चल गई? सोचे कॉमरेड, तुम्हारा इजाजत होगा एक कॉमरेड से एक सवाल पूछेगा? पूछो। सोचे लोटस वाली, तुम हिंदुस्तानी? हाँ। 25 बरस हो गया है शहर में गाड़ी चलाया, सर से पांव तक सफेद हो गया, तुम्हारा जैसा गुलाबी रंग नहीं देखा, तुमको देखा एक बार फिर जवान होने को दिल करता है। तुम्हारा क्या ख्याल कॉमरेड? तुम्हारा काम हो गया, पैसा मिला? बोली देख के चले बुड्ढे। देख कॉमरेड जी ना, यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते, इसलिए आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है। कॉमरेड मेरा हैंडबैग, तुमने मेरा हैंडबैग देखा? जेनी, क्या हुआ? मैंने अपना हैंडबैग टेबल पर रखा था, ना जाने कहाँ चला गया, जा कहाँ सकता है? अच्छा, तो वो बुड्ढा कोचवान था, मगर मुझे तो कोचवान से ज्यादा शैतान नजर आ रहा था। अजीब मनहूस सी सूरत, खिचड़ी जैसे बाल, बकरे जैसी दाढ़ी। समझ गया, वही था। अजी साहब, वो मुझे हिसाब सिखा रहा था कि मेरे पास 4 बीवियां हैं, 12 लड़के हैं, 6 लड़कियां। मुझे उसके खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे तो है। अगर वो बुड्ढा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं उसकी हड्डी फसली एक कर दूंगा। मगर मैं तो पहले ही कर चुका। हाँ कॉमरेड, जो ही मुझे पता चला वो एक औरत का बैग लेके भागा है, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी। हे, हुँ कोई कॉमरेड। कॉमरेड शिनराज, माफ करना कॉमरेड, मैं जरा जोश में आ गया। तुम्हारा जोश हमारा होश उड़ा देगा। देखो तुम एक काम करो, तुम उधर जाके बैठो, ये जिसका बैग है हम उसको बुलाया है, वो अभी आती होगी। आ गई। ये कौन है? ये वही है जिसका ये बैग है। मगर ये तो कोई हिंदुस्तानी लड़की मालूम होती। हाँ, ये हमारे देश के खास मेहमान है। आइए कॉमरेड मीना। तो आपने मेरा हैंडबैग तलाश कर लिया? नहीं,
मैंने मैंने आप जी कॉमरेड शिनराज हांगकांग के बहुत बड़े सौदागर नमस्ते और कॉमरेड कॉमरेड लोटस थिएटर की मशहूर डांसर कॉमरेड मीना कॉमरेड मीना यू मीन दैट ग्रेट इंटरनेशनल स्टार कुमारी मीना ओ मैडम मैंने कल रात आपको लोटस थिएटर की स्टेज पे देखा वाह 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 क्या कहने हैं आपकी कला के आपके नाच के हर एक अंदाज के साथ मैं बेहोश होते होते बचा यकीन मानिए मेरी आंखों को यकीन नहीं आता कि आप इस वक्त मेरे सामने खड़ी ये सब हुआ तो कॉमरेड आपकी वजह से थैंक यू कॉमरेड मीना तुम्हारा बैग है शुक्रिया अच्छा मैं चलती हूँ मेरी वजह से आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी बहुत बहुत शुक्रिया अजी शुक्रिया तो मुझे इस हैंड बैग का अदा करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए उस बुड्ढे को जवान का ना इसे चुराता ना हम दोनों की मुलाकात होती और अब जब ये मुलाकात हो ही गई है तो क्या आप इस नाचीज हकीर सौदागर अपनी कार में आपके घर तक छोड़ने का सुनहरी मौका आता नहीं करवाए शुक्रिया मैं पैदल ही चली जाऊं पैदल इतनी बड़ी कलाकार और बिना कार ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता देखिए काफी देर हो चुकी है मुझे जाने दीजिए मगर आप इस तरह नहीं जा सकते आपके ये नाजुक और खूबसूरत पांव कंकर और पत्थर की जमीन पे नहीं गुलाब के फूलों में चलने के लिए बने ये तो बिल्कुल चकलम है कॉमरेड शिंदा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं उठिए ना अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है सीन चल रहा है कॉमरेड शिंदा मीना को अपने साथ ले जाना चाहता है और ये ना कह रही है अब आप ही फैसला कीजिए कॉमरेड ये मेरी इतनी सी इल्तिजाएं नहीं मान रही है आप किसी भी तरह इनके साथ चले जाइए मेरी जान बचाइए ठीक है चलिए कॉमरेड तुम सच में बड़े काम का आदमी है थैंक यू नहीं सोचे 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 शायद आप नहीं जानती कुमारी मीना मैं भी बहुत बड़ा एक्टर अच्छा तुम सौदागर का कांटा एक्टर भी है जी हाँ सौदागर कम और एक्टर ज्यादा आपको नाटक सुनाऊं सुनिए ऐ मेरी जाने जिगर पत्थर का सीना चीर कर सारी दीवारें तोड़ कर सबको अकेला छोड़ कर तूफानों से लड़ जाऊंगा तुझको मगर ले जाऊंगा और अपने घर जाके गरम गरम चाय पिलाऊंगा और रह जाएंगे सब चापते एक दूजे का मुंह ताकते बंद करके रास्ते और तुम्हारे वास्ते गाजर का हलवा लाऊंगा मेरे वास्ते नहीं हाँ मजा आएगा बहुत मजा आएगा और आएगा और आएगा अभी नहीं अभी तो घर आ गया अच्छा कोई बात नहीं फिर से कब शुक्रिया माफ कीजिए मैं कुछ भूल गया जी आपका पर्स वापस करते करते मैं अपना पर्स होटल में भूल गया मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है कुछ पैसे उधार देंगे क्यों नहीं कल मैं आ रहा हूं अपनी अकेली दिखाने आपको तैयार रहिएगा शिनराज पागल आदमी चकलम खाना खाओगी मुझे भूख नहीं है भूख नहीं है तो हवा खाओ मैं तो खाना खा लेंगी मेरी प्यारी बेटी मैं इस नौजवान के हाथ अपनी खानदानी निशानी भेज रहा हूं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए तुम्हारा ये बदनसीब बाप अभी तक जिंदा है
और मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ ईश्वर तुम दोनों को हर आफत से बचाए। पिताजी कौन है? मैं हूँ जेनी। जेनी जरा अंदर आकर मेरे बाल तो संवार दो। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ। कंगी कहाँ है? कंगी की जरूरत नहीं है, इधर आओ। क्या बात है? जेनी आज मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई। सुनो तो। ए, क्या कर रही हो तुम दोनों? चलो इस वक्त नहीं, बाद में बताऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मीना कि यह सब सच हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है जेनी, मगर मैं अपने पिताजी का खत पहचानती हूँ। और ये देखो, ये हमारी खानदानी निशानी है। तुम नहीं जानती आज मैं कितनी खुश हूँ। आज तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी है मीना, आज तक तुम्हें इस तरह मुस्कुराते कभी नहीं देखा। जेनी क्या वो फिर आएगा? अरे तुम्ही तो कह रही थी वो कल आएगा, आखिर ये कल कब आएगी? वो आ गए। जेनी जेनी मुझे लगता है उनका यहाँ एक्टिंग के लिए आना तो एक बहाना है। दरअसल वो मुझसे कुछ और कहना चाहती है, लेकिन डर ये है कहीं इस मुसीबत को ना पता चल जाए। मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बाहर बाग में जाके उनका इंतजार करो, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। डर गई बिल्कुल? अरे ये मोहब्बत का दीवाना, हुस्न का परवाना तुम्हारे हजूर में सवाल पेश करता है। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? हम टोपी उतारते, तुम गांठ खोलो। चकलम चकलम, पसंद आया मेरा एक्टिंग? हम तो सचमुच डर गया था। हम सोचा हम अपने उस्ताद को अपना एक्टिंग दिखाने से पहले तुमको अपना एक्टिंग दिखाएगा। ए, तुम्हारा मीना किधर है? मीना तो वो बाहर बाग में आपका इंतजार कर रही है। इंतजार? होय 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 होय, इंतजार क्या लफ्ज है इंतजार। मुझे ले चलो उसके पास। चलो कितना ही अच्छा हो अगर तुम मेहमान के लिए चाय बनाओ तो। इतना अच्छा है? नहीं, हम साथ जाएगा। तुम साथ जाएगा? चलो हटो। ओए होए, तुम वहां हम यहाँ, हो रहा है इंतजार। अरे वाह मेरे यार, करना भी इनकार, ड्रामा है तैयार। तड़प जिसकी है तुमको मैं उसी जन्नत से आया हूँ। मोहब्बत का तुम्हारे वास्ते पैगाम लाया हूँ। मोहब्बत के फरिश्ते से मेरी इतनी गुजारिश है, वहाँ के लोग कैसे हैं जहाँ चाहत की बारिश है। वहाँ का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है, तुम्हारे एक न होने से वहाँ लेकिन कयामत है। समझो जरा कहती है क्या, समझो जरा कहती है क्या, मेरी नजर जाने वफा। Thank you.
सपना ही समझो, पहले पहल मैं तुमसे मिला हूँ, मुझको मगर तुम अपना ही समझो। जलवे है जब तावा शिकन, कैसे न फिर दिल हफिदा। कागजात देखना चाहता हूं। कागजात? ये सब क्या है? कॉमरेड लंजी, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना? मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन कर्नल चांद सिर्फ आपके कागजात देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं। मगर मेरे कागजात होटल में। तो आपको हमारे साथ होटल चलना होगा। ओफो, ये क्या मुसीबत है। मीना, तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी ये पूछने के लिए मैं शाम को फिर आऊंगा। चलिए कॉमरेड। This way, please. कॉमरेड शिनराज, मैं ये कागजात अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जब तक हमारी पूरी तसल्ली ना हो जाए। ना तो आप कॉमरेड मीना से मिल सकते हैं, ना इस कमरे से कहीं बाहर जा सकते हैं। हेलो, मैं स्पीक टू कैबिन डांसर शर्मा प्लीज। थैंक यू। हेलो, मैं सलमा बोल रही हूँ। ओ सलमा, देखो सलमा, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। जी हाँ 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 हाँ, मैं समझ गई। हेलो 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 आलू यमकन्ना यमकन्ना। हाँ यमकन्ना, मैं बदकम्मा बोल रही हूँ। बदकम्मा? हाँ बदकम्मा। बदकम्मा हो बदकम्मा, क्या बात है। अच्छा सुनो, रॉकेट ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है, तुम इसी वक्त वहाँ से रवाना हो जाओ। बात दरअसल ये है कि उस बिली सूजी को पता चलना चाहिए कि जय अब हिंदुस्तान से रवाना हुआ है, समझे? समझ गया। हेलो आलू, मैम साहब
420 मेम साहब, तुम्हें जल्दी आओ मेम साहब, यहाँ तूफान आको है, जलजला आको है, खयामत आको है। कहाँ? जय साहब के कमरे में भाई। क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ होने वाला है, तुम्हें आको देख लो ना। अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ। जय मेम साहब, खबर बड़ी भारी है भाई, तुम्हारा बटवा भी भारी होना मनता। क्या हुआ? जैसा कहा है सबके हो जाऊं? क्या आराम से पूछ रही तुम्हें? जय मेम साहब, ये लाख रुपए का सवाल है। ओहो, बता भी कहाँ गए हैं जय साहब। अब तो 2 लाख रुपए का हो गया भाई। लो मेम साहब बैठ, तशरीफ रखो। क्या किस्मत है हमारी, इतने बड़े सवाल का जवाब ये गरीब अमीर के पास है। क्या डिजाइन है भैया, आप पे क्यों तकलीफ करते? लाओ इधर दे दो। अब तो बता दो, देखो जय मेरे लिए कितना कीमती है। मेरे कहने का मतलब है मैं जय से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज बताना। मैं क्या बताऊं भाई, आप मेरे को बताओ ना, ये आपकी घड़ी सोने की है या पीतल की? चाहिए। फकीर की झोली है भाई, जितना डालेंगे उतना कमती है। अच्छा लो। अब तो बताओ। सीक्रेट है, जरा तुम्हारा कान नजदीक लाओ। सबके जाऊंगे, हीरे के बुंदे है क्या? ओहो, लो ये भी ले लो, पर गॉड से मुझसे कुछ तो बोलो। जैसा यहाँ से सीधा एयरपोर्ट गई। सच? हाँ, उन्हें मुझे बोले फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। फॉरेन कंट्री? मेरे सुनने में भी गड़बड़ हो सकती है भाई, शायद फॉरेन की कंट्री पे ले गए होंगे। जय मेम साहब, एयरपोर्ट पे कंट्री मिलती क्या? ओहो, कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए। ओ अमीर, अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या मच्छी के जैसा तड़प रही तुम्हें, क्या मोहब्बत है तुम्हारी भाई। अगर जय साहब की जगह मैं होता ना तो आपको अकेला छोड़ के हेलीकॉप्टर पे नहीं जाता। हेलीकॉप्टर? उनका खुद का हेलीकॉप्टर है, AXE-101। जय मेम साहब, अबे जल्दी जाओ, ये गरीब अमीर की दुआएं हमेशा आपके साथ। ओ अमीर, ओ स्वीटी अमीर, मैं तुम्हारा ऐसा अंतिम कभी भी नहीं भूल सकती। मेम साहब हाथ तो मिलाओ। मेम साहब ओके। क्या खूबसूरत अंगूठी है, निकाल लूं? बाय बाय। मेम साहब खाली बटवा तो लेके जाओ। मेम साहब शुक्रिया स्वीटी। बाय। मेरा क्या शुक्रिया भाई, खुदा का शुक्रिया बोलो। अगर इनको एयरपोर्ट नहीं जाना होता तो इनके कपड़े भी उतार डालता हूँ ताज। किया तुमने? या तो मैंने कमाल किया, आगे चल को देखना, धुमाल कर दूंगा। रात बहुत हो गई है मीना, अब वो नहीं आएगा। मेरा दिल कांप रहा है जी, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। नहीं जी, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी जाकर उसे होटल में देखती हूँ। पागल हो गई हो क्या, तुम वहां कैसे जा सकती हो? हाँ मैं पागल ही हो गई हूँ जिनी, मुझे अपनी परवाह नहीं, समझ लो अगर वो गिरफ्तार हो गया हो तो मुझे जाना ही चाहिए। जरा ठहरो, इस मुसीबत को तो देख लो क्या कर रही है। अगर जाना ही है
तो यही मौका है, जाओ। अरे मीना तुम, इतनी रात गए तुम यहां मीना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यहीं चली आई थी। मगर मीना यहां बहुत खतरा है, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। नहीं आती तो क्या करती? जब तुम उससे मिले थे मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती, मगर अचानक वो लोग तुम्हें अपने साथ ले गए। कितना इंतजार किया मैंने मगर तुम नहीं लौटे। और तुम परेशान हो गई? तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये आंसू पूछ डालो मीना, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। एक वचन दोगे? क्या? तुम हमेशा मुझसे मिलते रहा करोगे। इस अजनबी देश में मेरा अपना कोई नहीं, एक तुम ही तो हो जो मेरे पिताजी का पैगाम लेकर आए हो, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। अपना समझती हो ना, तो आज से तुम्हारे सब गम मेरे गम है। मीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ हर रोज तुम्हें मिलने आया करूंगा। रात बहुत हो गई, चलो तुम्हें घर छोड़ा। क्या बात, कर्नल चांग ने आप दोनों को इसी वक्त याद किया? इसी वक्त क्यों, ये सवाल आप उनसे कीजिएगा। चलिए आमिर, कॉमरेड चांग, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बड़े ऑफिसर हैं और मैं छोटा ऑफिसर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहते हैं वो ठीक है और मैं जो कहता हूं वो गलत है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप कॉमरेड शिनराज पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो तो एक बिगड़ा दिल रईस और स्टेज का दीवाना है। मेरे नहायत अकलमंद और काबिल उल्लू के पट्टे, क्या तुमने हिंदुस्तानी आफत को कभी देखा है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने देखा है तो? और किसी ने देखा है? नहीं। तो फिर इतनी मामूली सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं आती? ये शिनराज ही वो हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकता? कॉमरेड शिनराज और कॉमरेड मीना। कॉमरेड चांद, कॉमरेड लंजी, क्या बात है, आज रात को याद फरमाया हमें। आप लोगों को कुछ नींद नहीं आती? खैर फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? कॉमरेड शिनराज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल और मुझसे? माफ करना कॉमरेड, मैं हिसाब किताब में बहुत कमजोर हूँ और फिर मैं अपने आप को इतना होशियार भी नहीं समझता कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। सवाल बहुत सीधे साधे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कॉमरेड मीना से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? जी दरअसल ये बड़ा नाजुक सवाल है कॉमरेड, कहीं आपको जलन महसूस तो नहीं हो रही? आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल था आपका? आप हांगकांग के एक सौदागर और कॉमरेड मीना हिंदुस्तान के एक आर्टिस्ट, कल अचानक आप दोनों की मुलाकात हुई और जब से आप दोनों की मुलाकात हुई आप बुरी तरह से कॉमरेड मीना का पीछा कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? अगर मैं जवाब देने से इनकार कर दूं तो हमारे पास आप जैसे लोगों की जबान खुलवाने का अच्छा तरीका है। गार्ड्स, ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। मीना, मैं पूछ सकता हूं आप कौन से जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? हम आपको इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। जरूरत तो मुझे भी नहीं है कॉमरेड, मगर वो जनरल कोलम पूछेंगे तो क्या जवाब? जनरल कोलम? जी हाँ, मेरे बेहतरीन दोस्त जनरल कोलम, जब उनको सब बातों को पता चलेगा तो मुझसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हें तो
मेरी वजह से हुआ। तुम जिस तरह तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। और अगर तुम इस तरह मेरे पास न आती तो मैं तुम्हें कभी माफ न करता। कॉमरेड चांग स्पीकिंग, रिपोर्ट। कॉमरेड, वो हिंदुस्तानी आज यहाँ से रवाना हो गया। क्या आज रवाना हुआ है? जी हाँ, मैंने आज उसे हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखा। हेलीकॉप्टर? अच्छा। कॉमरेड नानी जी, तुमने ठीक ही कहा था, ये आदमी वो हिंदुस्तानी नहीं है। सूजी ने पैगाम भेजा है कि वो हिंदुस्तानी आज ही हेलीकॉप्टर से यहाँ के लिए रवाना हो गया। कॉमरेड, मैं उल्लू का पट्टा हूँ जो हमेशा आपको कीमती राय दिया करता हूँ। अब इस मुसीबत को कैसे टालेंगे? तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। चलो चलो। कॉमरेड शिनराज, ये रहे आपके कागजात, अब आप जा सकते हैं। तो क्या मैं उम्मीद रखूं क्या मुझे फिर कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। माफ किया आपको। तो अच्छा कॉमरेड, तो अच्छा कॉमरेड। चलिए मीना जी। ठीक है, ये मुसीबत तो चल गई। कॉमरेड लंजिंग, हमारे पास वक्त बहुत कम है, फौरन गार्ड की तैयारी करो। जाओ। जीप को इस तरफ घुमा लो। गार्ड, छुप जाओ, छुप जाओ। आ रहा है, सीधा यहीं आ रहा है। लिए गए हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। एक, दो, तीन, आगे बढ़ो। बस ये छोटी आंखों वालों की मैं बड़ी कर डाला आंख। कैसे? मैं मेरी जगह मेरा पुतला फेंक डाला उठा। यंकन्ना, बहुत देर कर दी तुमने, हम लोग तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बदकम्मा, मेरे को कोई छप्पर फाड़ के थोड़ी गिरने का था। अरे सात समंदर पार कर को आ रहा हूँ। अच्छा। अरे तुम्हारा यंकन्ना बहुत दूर से आया, थक्के थोड़ी चाय वाय लाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मीर बैठ। और कहो दोस्त, तुम्हारी बिल्ली का क्या हाल है? उसे शक तो नहीं हुआ? शक का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, उन्हें तो छिछड़ा खा गई। क्या मतलब?
उन्हों आप तक धोखा खा गया। बस उनके सामने मैं निकल को आया ना, मेरा मतलब आप निकल को आए ना। अब मैं आ गया हूँ बस, अब जल्दी से मेरे को हुक्म कर दो कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो भैया, अब तुम आ गए, हमें बहुत कुछ करना है और बहुत जल्द करना है। इस दफा तुम मून फ्लावर होटल में ठहरोगे। मून फ्लावर? हाँ हाँ, मून फ्लावर होटल, मेरे पार्टनर बंद के। तुम्हारा पार्टनर बंद को? परमानेंट पार्टनर या टेम्पररी? टेम्पररी, को भी कैबरे डांस में। क्या ट्रेजेडी है। अच्छा बॉस, आप अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताए ना, आप वोरोवा से मिले क्या? हाँ अमीर, मैं उस लड़की से बहुत बार मिल चुका हूँ, मगर उस पर अपना आप जाहिर नहीं किया। वो मुझे सिर्फ एक सौदागर शिनराज के नाम से जानती है। क्या खूबसूरत नाम है भाई, शिनराज। ये शिनराज का राज कब जाहिर होगा उस पर? जमीन से जहां आसमां मिल रहा है, न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहां तक। तुम्हें मैं अगर अपना साथी बनाऊं, बता दो मेरा साथ दोगे कहां तक। जमीन से जहां आसमां मिल रहा है, न जब तक ये जुल्फों के साए, तो फिर किसको जन्नत का अरमान होगा। सलामत है जब तक ये जुल्फों के साए, तो फिर किसको जन्नत का अरमान होगा।
छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहां तक। उठो कॉमरेड, उठो उठो। क्या हुआ? कॉमरेड चांग ने ऑफिस में बुलाया है। अभी? हाँ। कॉमरेड, आखिर ये हिंदुस्तानी कांच हो गया होगा? मेरी जेब में, यहां जान पर बनी है, और तुम जब बात करते हो उल्टी करते हो। मुझे सोचने दो। सोचिए सोचिए, ये मेरे समझ में नहीं आता कि आपने कॉमरेड मीना को यहां क्यों बुलाया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप इसमें अपनी टांग मत अड़ाइए। मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। कॉमरेड मीना, अंदर आने दो। घबराइए नहीं, बैठ। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? सब पता चल जाएगा। पहले आप बैठिए। तो बैठिए बैठिए, आप कुछ पिएंगे? कुछ ठंडा कुछ गर्म? शुक्रिया, मैं जानना चाहती थी आखिर बात क्या है। कॉमरेड मीना, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। क्या सवाल है, हर औलाद के लिए उसकी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं। तो क्या आप अपने देश वापस जाना चाहती हैं? क्यों नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, इसमें हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप हमारी मदद करें तो। क्या चाहते हैं आप? आप जो चाहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत मामूली सी बात है। अच्छा, कल और आज के दरमियान आप किससे मिले? जी हाँ। किससे? शिनराज से। नहीं 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 नहीं, वो हांगकांग के सौदागर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम एक हिंदुस्तानी का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तानी? जी हाँ। आपने कभी उस हिंदुस्तानी आफत का नाम सुना है जिसने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी? वो कई बार यहाँ से हिंदुस्तानियों को छुड़ा कर ले जा चुका है, और इस बार खास आप लोगों के लिए आया है। सच? हाँ, और हम चाहते हैं कि जैसे ही वो आपसे मिले आप फौरन हमें खबर कर दें। इसका मतलब है मैं उसे गद्दारी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, इसीलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था कि क्या तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। कॉमरेड मीना, उस हिंदुस्तानी की जिंदगी तुम्हारी माँ की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अब तुम जा सकती हो। अच्छा, तो ये है आपके काम करने का तरीका। कॉमरेड मीना को आपने जाने क्यों दिया? उसको भी आप बंद कर देते जेल में उसकी माँ के साथ, वो हिंदुस्तानी क्या, उसका चचा भी उसे नहीं छोड़ा सकता। गधे हैं आप। हमारा मकसद क्या है? मीना को कैद में रखने का या उस हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने का? हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने का। तो बस, मीना को आजाद छोड़ देने से ही वो हिंदुस्तानी उसको मिलने की कोशिश करेगा, समझे आप? मैडम चुंकिन ली जरा, थैंक यू। क्या बात है मीना, परेशान दिखाई देती हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अभी अभी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, उन्होंने बताया कोई हिंदुस्तानी मुझे और मेरी माँ को यहाँ से आजाद करने के लिए आ पहुंचा है। मुझे धमकी दी है कि वो जब भी मुझसे मिले मैं फौरन उनको खबर कर दूं, वरना मेरी माँ की जान खतरे में है। मैं क्या करूं, मैं तो पागल हुए जा रही हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं राज? चुप हो जाओ मीना, जिंदगी में कब तक रोती रहो? अव्वल तो कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और अगर सच में यहाँ कोई हिंदुस्तानी आ रहा
इस हालत में लोगों को बता देने के सवा रास्ता ही क्या है? तुम्हारा मतलब है मैं जानबूझकर गद्दार बनूं? नहीं राज, ये मुझसे नहीं होगा। जो आदमी अपनी जान पर खेलकर हमारी आजादी के लिए आ रहा है, मैं अपने हाथों से इसके पांव में जंजीरें पहना दूं ताकि ये जालिम उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मगर एक अजनबी के लिए तुम इतनी परेशान क्यों? मुझसे मिलने से पहले तुम भी तो एक अजनबी थे। समझ लो अगर उसकी जगह तुम वो हिंदुस्तानी होते तो क्या मैं तुम्हें दुश्मनों के हवाले कर देती? हरगिज नहीं। ऐसा करने से पहले मैं अपनी जान दे देती। सवाल तुम्हारी या उस अजनबी की जिंदगी का नहीं मिला, सवाल है तुम्हारी माँ का। तुम्हारी माँ एक महान हस्ती है। हजार जुल्म सहने के बाद भी उन्होंने दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाया। क्या उस माँ के लिए तुम्हारा कोई भी फर्ज नहीं? फिर तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपनी माँ को खतरे में भी नहीं देख सकती और उस हिंदुस्तानी के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकती। देखो ऐसा आदमी ना तो है ना होगा, अगर है भी तो वो कोई मिट्टी का बना हुआ तो होगा नहीं, जरूर फौलाद का होगा। और फिर जब हकीकत सामने आएगी देखा जाएगा। मीना, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। राज, अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मुझ पे भरोसा रखो मीना, वो हिंदुस्तानी तुम्हें छुड़ाने आए या ना आए, मैंने तुमसे वादा किया है मैं यहां से तुम्हें और तुम्हारी माँ को जरूर लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं जब से यहाँ आया तुम्हारी माँ से नहीं मिल सका, इसके बिना वो मुझे पहचानेंगे कैसे? तुम मेरी माँ से मिलने जा रहे हो जेल में, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, वहां बहुत खतरा है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वहां पहुंचने के लिए मेरे अपने रास्ते हैं। तुम थोड़ा दे और ठहरो, हम तुमको और भी नशा दिलाएगा। अब देगा? अभी देगा। किधर है ये? क्या है ए? तुमको इतना अफीम किधर मिलता? हम बताता। बताओ। हम बताता, ये देखो पुंगी पुंगी। पुंगी पुंगी? क्या पुंगी? तुम किसको बोल लाना है? हम पुंगी पुंगी खुफिया सोसाइटी का मेंबर है। हम पुंगी पुंगी बोल के ये बताता तो हमको अफीम का गोला मिलता। वो कैसा? ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारा सरकारी नंबर है ना? है। तुम इसको दिखा के जेल में जाके झाड़ू मारता ना? मारता, मारता। हाँ, वैसे हम ये पुंगी पुंगी दिखा के अफीम का गोला मांगता। ए, हम तुम्हारा पुंगी पुंगी का मेंबर बनेगा। तुम बनेगा? बनेगा। फिर तुम कपड़ा उतारेगा? हाँ। तुमको गोला नहीं मांगता? गोला गोला मांगता। निकालो। मांगता। निकालो। ये पकड़ो, ये तो। हाँ, अभी तुम पतलून निकालो। पुंगी पुंगी के साथ लुंगी चलता पतलून में आए? ए, तुम बहुत गला वाला आदमी, हम पतलून नहीं देगा। नहीं देगा? अच्छा ठीक, तुम इसको खींचो खींचो खींचो। पतलून तो नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। तो देखेगा, खींचेगा। खींचो खींचो। का नंबर है? तुम कौन है? लूसा लूसा भूसा बेटा। भूसा किधर है? बीमार बीमार। क्या बीमार? बाथरूम आना जाना आना। अच्छा, जाना। चलो चलो चलो।
जी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ माँ। कौन हो तुम? जी मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। क्यों एक मजबूर औरत के जज्बात से खेलना चाहते हो? नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। ये देखिए। ये कहां से मिला तुम्हें? आपके पति ठाकुर साहब से, ताकि आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाए। मेरे पति कैसे हो? ये अच्छे हैं, बस दिन रात आपको और मीना को याद करते रहते हैं। क्या तुम मीना से मिल चुके हो बेटा? जी हाँ। अच्छा, मेरी तो उसे देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। आप घबराइए नहीं, वो अच्छी है। मुझे हांगकांग के सौदागर शिनराज के नाम से ही जानती है। ऐसा क्यों? इसलिए माँ जी कि मैं अपनी जान पर खेलकर आप लोगों को आजाद कराने आया हूँ। और मीना एक भोली भाली लड़की है, दुश्मनों के जुल्म के सामने किसी वक्त भी ये राजभाष कर सकती है। लेकिन बेटे, क्या ये सब कुछ तुम कर सकोगे? ये लोग बड़े जालिम हैं। आप घबराइए नहीं, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे हैं माँ जी। इस अंधेरी रात की सुबह होने ही वाली है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपको मिलने आऊंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे ये नया आदमी कौन है? पूसा का बेटा। पूसा का बेटा? उसका तो बेटा ही नहीं है। क्या? हाँ। ए! ए! कहाँ गया वो? अंदर गया। चलो। वो बंद करा दो। चलो। रोशनी। चलो, चारों तलाश करो। चलो जल्दी करो। शिनराज, कमेट लेंजी, कमेट चांग, क्या बात है? कमेट शिनराज जी, क्या आप शो के शुरू होने से यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, शो के शुरू होने से यहाँ मौजूद हूँ और शो अच्छा खासा चल रहा था, मगर आपने आगे कुछ गड़बड़ कर दिया। खास बात है क्या? खास बात। कॉमरेड चांग, अब क्या याद है, शो होगा या नहीं? कॉमरेड मुझे अफसोस है, शो नहीं होगा। वो तो मैं आपके अंदर आते ही समझ गया। ठीक है, मुझे बाहर जाने दीजिए। शिनराज जैसा आदमी आखिर इस घटिया क्षेत्र में क्यों आया? ये देखिए जर वाला का कपड़ा। जी तो इसका मतलब है कि झाड़ू वाले के भेष में कोई और था। लानिए इन कपड़ों का यहां मिलना,
और शिनराज का यहाँ मौजूद होना मुझे कुछ शक हो रहा है, और इस शक को दूर करने के लिए सूजी को हमें यहाँ फौरन बुलाना चाहिए। बदकम्मा 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 एकड़ पोतोरा एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़ा रा चिन्नम 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 एकड़ पोतोरा एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़ा रा अरे यंकन 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 एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़ा रा जाने पशा बदकम्मा बदकम्मा रमजाने पशा बदकम्मा बदकम्मा मैं आज बजाने वाला हूँ तेरे दिल का ताशा बदकम्मा दिल का ताशा बदकम्मा बदकम्मा यंकन्ना यंकन्ना बदकम्मा 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 यंकन्ना 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 एकड़ पोतोरा एकड़ पोतोरा एकड़ा एकड़ रा बदकम्मा बदकम्मा यंकन्ना यंकन्ना बदकम्मा 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 एकड़ पोतोरा एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़ा रा यंकन्ना 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 एकड़ पोतोरा एकड़ पोतोरा इकड़ा इकड़ा रा मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं जल्दी माँ बेटी को आजाद करा दूंगा। वैसे तो मैं भी तैयार हूँ, कुछ माल भरना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा जहाज पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करेगा। थैंक यू कैप्टन। तेरे सबके जाऊं बदकम्मा बदकम्मा तुझे अपना बनाऊं बदकम्मा बदकम्मा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को पलकों में छुपाओ यंकन्ना पलकों में छुपाओ यंकन्ना यंकन्ना छुपाओ बदकम्मा बदकम्मा यंकन्ना यंकन्ना बदकम्मा ओ बदकम्मा यंकन्ना 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 एकड़ पोतोरा एकड़ एकड़ रा
चेहरा चोट तो नहीं लगी आपको? चैनली अंधा कहीं का। अजी छोड़िए, इन लोगों के गरीब सिगरेट गर्ल की क्या परवाह, मेरा कमरा पास में, चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। अजी ऐसी तो कोई बात नहीं। बैठिए। अब कैसा लग रहा है मेरे साथ? ठीक लग रहा है, एक गिलास पानी मिल जाता। क्यों ना चाय पी जाए, कोई एतराज तो नहीं आपको? एतराज? एतराज करना तो मेरी आदत है। तो चलिए उस बिस्तर तक। ले चलिए। यहाँ ज्यादा अच्छा है। रूम सर्विस, दिस इज 777 गो चाय, जल्दी। थैंक यू। अब आपका पांव कैसा है? अब कुछ ठीक ही है। आपके पांव काफी नाजुक है। शुक्रिया। काफी तेज निगाहें हैं आपकी। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शिनराज। पसंद आया आपको? मुझे तो आपकी ये नीली आंखें बहुत पसंद है। बिल्कुल आप जैसे। हाँ, चाय गर्म है ना? अगर इजाजत हो तो मैं। जरूर। क्या आप चाय के साथ बिस्किट पसंद नहीं करते? क्यों नहीं, मेरे पास बहुत उमदा बिस्किट है। अभी लाता लीजिए। बिल्कुल आप ही की क्लास के बिस्किट। शुक्रिया। और लीजिए। नो थैंक यू। श्योर? बाय। लीजिए लीजिए। चीयर्स। वंडरफुल, चाय बहुत अच्छी बनी। शुक्रिया। आपने अपने हाथों से बनाई है, इसलिए कुछ अजीब नशा आ रहा है। अभी दीजिए ना। अभी पीते हैं। क्या होने लगा? क्या चक्कर से आ रहे? अच्छा, समझ। आखिर गिर गया ना शेर गिदड़ की तरह। इस कामयाबी का सेहरा मेरे सर पर होगा। आराम करो मेरी जान, सिर्फ 3 घंटे। जब आंख खुलेगी तो जनरल कोलों के पंजे में हो। चीयर्स तुम्हारी शिकस्त के लिए। चीयर्स मेरी फतेह के लिए मेरी जान। चीयर्स मेरी जान तुम्हारी चाय के लिए। आलू 400 रुपीस मेल का। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कैसे छोड़ दो, कहाँ जा रही तुम्हें? अब ये कहीं नहीं जाएगी अमीर, इसने खुद अपना बंदोबस्त कर लिया है। धोखे बाज परेजी, जंगली, छोड़ दो। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा? मैं इन तो गए काम से। क्या जनाजे का इंतजाम करूं? नहीं अमीर, सिर्फ सोने का इंतजाम करो। ये 3 घंटे तक बेहोश रहे, इसे सोने वाले कमरे में ले जाओ।
क्या बोल है, थक के जाऊं मैं। बड़ी भारी भरकम है भाई, अच्छा हुआ सच्ची का नहीं मरी, नहीं तो चार की बजाय आठ को बुलाना पड़ता। समय नहीं आता सूजी को क्या हो गया, अभी तक वापस नहीं आई। आप हम हाँ घबरा रहे हैं, हमारे गार्ड वहां गए हैं, बस खबर लेकर आती होंगे। क्या कहा, सूजी होटल में नहीं है? ये काम रहे, और हांगकांग का वो सौदागर, उसका भी कोई पता नहीं। ताज्जुब है, तो भरती हुआ है तेरा ना।
पसारूं मैं बाने, अरे जाने वाले मोहब्बत निभाना, अरे जाने वाले मोहब्बत निभाना, मुझे खुद का खुद आ गया दिल लगाना, आ गया दिल लगाना, न सोचा न समझा न सीखा न जाना। कॉमरेड मीना, क्या आपने कॉमरेड शिनराज को कहीं देखा है? शिनराज? हाँ, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। क्यों, क्या बात है? देखिए, हमारा वक्त जाया मत कीजिए, साफ साफ बताइए कहाँ है वो। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। कॉमरेड, वो यहाँ है। उठो, तुम दोनों यहां भी आ गए। कॉमरेड शिनराज, मैं माफ करना मीना, मैं तुम्हारा शो भी अच्छी तरह देख सका, मेरे सर में दर्द हो रहा था। कॉमरेड, मैं लेडी से बात कर, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जब भी मिलते हैं कुछ पूछना चाहते हैं, इन्हें आदत है। पूछिए पूछिए। मून फ्लावर होटल में एक लड़की आपसे मिलने गई थी, वो अचानक गायब हो गई, क्या बता सकते हैं? मैं तो इतना बता सकता हूँ कॉमरेड, कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक खूबसूरत लड़की आई जो मेरे पास खड़ी है। देखिए, बात को टालने की कुछ मत कीजिए, अगर आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपको हमारे साथ चलना होगा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? देखिए कॉमरेड, मैं आपकी इन धमकियों से बिल्कुल तंग आ चुका हूं। चलिए, हम मुझे कहां ले चले। कॉमरेड मीना के लिए एक आदमी ने फूल भेजा है और चिट्ठी भी भेजा है। चिट्ठी लाओ। नहीं, हम तुमको नहीं देगा चिट्ठी, उसने बोला था अकेले में देने का, तुम लोग सब भाग जाओ। मोकाम, तुम्हारी मीना, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और अब जल्द ही आपको और आपकी माँ को आजाद कराकर ले जाऊंगा। रहे कॉमरेड चांग और लेन ई, तो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। जय। किसने दी तुमको चिट्ठी? एक आदमी दिया, अभी अभी गया। उसकी सूरत कैसी थी? उसकी सूरत कैसे बताऊं मैं, लंबी वाली दाढ़ी थी। लंबी वाली दाढ़ी, चलो मेरे साथ चलो। फकीर की झोली है बाबा, जितना डालो कम, खाली जेब है जिसकी वो भी देता जाए गम। फकीर की झोली है बाबा, बुढ़िया भूरिया लाल घोड़ा लाल जोड़ा दे दे माल बाबा, अंधे को बाबा दे दे माल, अपना सबसे लेने देने का है दवा, अपना सबसे मीना जी, मैं हिंदुस्तानी की तरफ से आया हूँ, उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है, वो आज रात को 4 बजे आपकी माता जी को जेल से छुड़ा रहा है, आप भी तैयार रहिए, मेरे पीछे कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फकीर की झोली है बाबा, जितना डालो कम, खाली जेब है जिसकी वो भी
देता जाए गम, फकीर की झोली है बाबा। कौन हो तुम पूछ रहे? मैं तुम्हारा बावा हूँ बावा। हम जानते हैं वो अंधा आदमी जरूर तुम्हारे पास कोई पैगाम लेकर आया था। क्या कह रहा था वो? मैं कुछ नहीं जानती, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। झूठ, सरासर झूठ। तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। मैं कह चुकी हूँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो तुम आसानी से कुछ नहीं बताओगे। कॉमरेड लेने, इसको सही रास्ते बनाने का इंतजाम किया जाए। अच्छी तरह से देख लो, इसके दो कतरों से एक बेजान लकड़ी की यह हालत हो सकती है, तो इंसान के चेहरे की क्या हालत हो? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, तुम जो चाहो कर लो, मगर मैं कह चुकी हूँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ये सब कुछ तुम्हारी माँ के लिए है। मेरी माँ? उनका क्या कसूर है? तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है, क्योंकि तुम हमसे सच्चाई को छुपा रही हो। इसलिए जुर्म की सजा तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को दी जाएगी। कॉमरेड, नहीं नहीं, मेरी माँ पर जुल्म मत कीजिए। आज तक वो बहुत दुख बर्दाश्त करती रही है, और कितनी सजा देंगे आप? क्या आपके दिल में जरा भी रहम नहीं? दरवाजे का ताला खोलो। नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ सब कुछ, बताती हूँ। बोलो। ये सच है, एक अजनबी मुझसे मिला था, उसने कहा कि वो उस हिंदुस्तानी की तरफ से आया है। उसने मुझे पैगाम भेजा कि आज रात 4 बजे मेरी माँ को आजाद करने के लिए वो यहाँ आ रहा है। कहाँ मिलेगा वो, तुम उसका पता जानती हो? नहीं। तुम फिर झूठ बोल रही हो। ईश्वर जानता है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, चलो। मीना, मेरी बच्ची, ये तुमने क्या किया? मैं मजबूर थी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम इस हालत में नहीं देख सकती। तुम नहीं जानती मीना, वो हिंदुस्तानी कोई और नहीं, वही है शिनराज। शिनराज? अब वो हिंदुस्तानी हमारे शिकंजे से नहीं निकल सकता। तुम लोगों को मशीन गन लेकर जीप के अंदर छुपना है, तुम लोगों को ट्रक के नीचे छुपना है। उसने खुद मुझसे कहा था, उसने कहा था। क्या वो आपसे मिला था? ये मैंने क्या किया? आनंदे, आनंदे! चलो अंदर चलकर शिकार का इंतजार करें, चलो। कॉम्रेड, कॉम्रेड, कॉम्रेड सॉन्ग, कॉम्रेड, कॉम्रेड, कॉम्रेड। सूजी, सूजी, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गायब हो गई थी? मेरी फिक्र न कीजिए, वो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? हाँ, वही शिनराज। शिनराज? इस वक्त वो मूनफ्लावर होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। मूनफ्लावर होटल? तुम सब लोग अपने अपने पक्ष में बैठो और मेरी चीप के पीछे आओ। तो जल्दी करो, मेरी चीप लेकर आओ। हमरे इसको अंदर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। ले जाओ, ले जाओ। चारों तरफ से घेर लो, ना कोई अंदर आ सके ना बाहर जा सके।
Come in. Ah, Comrade Chang. Oh, Lenji. आप भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे तो बढ़िए, आइए, आइए ना, जरा संभल के, डरिए नहीं लैन जी, आगे बढ़िए, यहां नहीं अलमारी के ऊपर, शाबाश, आ ये पकड़ा, आप कहां चल दिए जनाब, अच्छा बाथरूम जाएंगे, जाइए जाइए ऊपर, हाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, घबराइए नहीं, मैंने तो कोई गोली नहीं चलाई, मैं जिंदा हूं, हाँ हाँ जिंदा हूं, गधे जिंदा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, यकीन आ गया, हाँ इधर आ, इधर नहीं हुजूर, नीचे नीचे, हाँ चूहा ढूंढ रहे हो, मुझे बड़ा अफसोस है कामरेड चांग कि मैं आप दोनों की खातिर के लिए यहां खुद मौजूद नहीं हूं, तो फिर ये कौन है जो हमारी इतनी अच्छी तरह खातिर कर रहा है, वो जरूर यही कहेंगे, आ, तो आप पहुंच गए यहां तक, आइए और नजदीक आइए, घबराइए नहीं, कॉमरेड सुनिए, मालूम होता है ये अंदर से बोलता है, मौका है, वो अंदर कैसे हो सकता है, जरा सुनिए तो, कॉमरेड चांद मैं अंदर ही हूं, मगर आपको जरा तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसे हटाइए, उठाओ उठाओ ना, ढूंढ लिया मुझे, आखिर सूजी ने आप लोगों को खबर कर ही दी, सूजी को इसी मतलब के लिए मैंने यहां से आजाद किया था बंदा परवर, अब सोच क्या रहे हो, उठाओ टेलीफोन, बुलाओ पुलिस को, इलेक्ट्रिक शॉक, चलो यहां से निकल चले, नहीं 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 नहीं, दरवाजे को हाथ मत लगाना, इसमें भी बिजली का करंट है, इसको हाथ लगाओगे तो बाहर जाने की बजाय सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, कॉमरेड लेनी दरवाजा खोलो, नहीं मैं नहीं खोलूंगा, ये मेरा ऑर्डर है, ये नेक काम आप ही कीजिए, यही मौका है, आओ चले, हम किधर अपने घर जाएगा, हम जा, पकड़ो पकड़ो,
जल्दी खा। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, कॉमलेट होने वाला है। बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत मुश्किल से गिरफ्तार करके लाया है। गिरफ्तार? कौन करेगा हमको गिरफ्तार? एक दो तीन चार पाँच बाकी रहे। सुन जाओ, आप लोगों का दम्बुक ना उठाओ भाई, मैं सबको दीवार के साथ लगा दो। लगा देता हूँ सर। रही चप्पी ना, चल रहे छोटिया, तू भी चल। चलो तू भी, बड़े मियाँ मुछिया वाले चलो जी वहां पे। सबके हथियार छीन लो अमीर। लॉकअप में डाल दो सबको। डाल देता हूँ, चलो भाई चलो ना, जल्दी चलो मियाँ। अगर हथेली पे जान रखो आई तुम लोग आज पैसे तुम्हें। चलो भाई। आखिर तुम हमारे हाथ में आ ही गए जय, तुम्हारा क्या ख्याल है गरीब अमीर? सलाम अलैकुम मेरे साहब, कैसे हैं, खैरियत? हाँ सूजी डार्लिंग, जब भी हमारी तुम्हारी मुलाकात होती है कोई ना कोई बात जरूर पैदा होती है। बातें कम, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता, चाहता तो इससे पहले भी खत्म कर सकता, मगर किसी के खून से अपने हाथ नहीं, मेरा उसूल नहीं। खबरदार जो आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। जय मैम साहब, आप जय साहब के लिए बहुत कुछ मालूम कराना चाहते थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आप शेर है तो इन सवा शेर है। मेर जी साहब, तुम इससे निपटो, मैं माँ को रिहाई दिला के आता हूं। मैम साहब, आप खुद उठेंगे या मैं हाथ लगाऊं? हाय हाय फटके जाऊं मैं। उठो मैम साहब, उठो उठ, क्या बोल ले हो बैठे। हो गया आप, लेकिन दरवाजे में तो इलेक्ट्रिक करंट है। छोड़ दो मुझे, मैं कहती छोड़ दो मुझे, जाने क्यों नहीं देते? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़। कहाँ है वो, कहाँ है वो? कहीं तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? बोलो बोलो कहाँ है वो, बोलो। लेन जी, इसे हेडक्वार्टर्स ले चलो। बहुत कम है, तुम माजी और सलमा को लेकर जहाज पे पहुंचो और हमारा इंतजार करो। अमीर, हेडक्वार्टर से ब्रिगेडियर सिंह बात कर रहा है, मैं जनरल कोलून से बात करना चाहता हूं इसी वक्त। जनरल कोलून स्पीकिंग, रिपोर्ट। जनरल, यहां के ऑफिसरों से बड़ी सख्त गलती हुई, वो हिंदुस्तानी कुमारी मीना की मां को आजाद करके ले गया। निकल जा, क्या बकते हो? मगर लड़की हमारे कब्जे में है, वो इस वक्त हमारे चैम्बर में मौजूद है। मैं अभी वहां के लिए रवाना हो रहा हूँ, लड़की को तुम अपनी हिफाजत में रखो जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। ऐसा ही होगा जनरल। पावर चांद,
लड़की को लेकर फौरन नीचे आई। लड़की को यही छोड़ दो, आप तुम जा सकते हो। और हाँ, जनरल कोलुम यहां के लिए रवाना हो चुके हैं, तुम दोनों उनका बाहर इंतजार करो। आखिर तुम्हारा बहादुर महबूब तुम्हारी मां को हमारी जेल से आजाद करके ले ही गए। क्या वो शैतान हमें बार बार चकमा देकर निकल जाता है? तो वो अब आजाद है, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। खामोश! तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। बताओ कहां छुपे हैं वो लोग? तुम समझती हो कि वो हिंदुस्तानी हमारी सरहद से जिंदा बचकर निकल जाएगा? हरगिज नहीं, हम उसे कुत्ते की मौत मार डालेंगे। बताओ उनका खुफिया क्या कहां है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बाकी कुछ नहीं जानती। कितना मासूम बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे चेहरे से इस मासूमियत के नकाब को उतार कर फेंक दूंगा। उफ, तुम्हारी ये निगाहें जिनमें गुस्सा भी है और डर भी, कितनी खूबसूरत लग रही हो। भाग कर कहां जाओगी? यहां से बच निकलना नामुमकिन है। जनरल कोलुन की तरफ देखने का मतलब है माफ। मुझे धोखा दे रही थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है तुम? वही जिसकी आपको तलाश थी, बंदे को जय कह। मगर तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। आप अभी तक मेरे स्वागत में जमीन चूम रहे हैं? उठिए जनाब, कुछ हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। Hey!
इससे पहले किसी होश आ जाए। आओ निकल चले। कॉमरेड छिंचू, हुकुम। इन दो बेवकूफों को हमारी तरफ से बता दिया जाए कि वो हिंदुस्तानी जो इनके हाथों से बचकर भाग निकला, इस जुर्म की सजा मौत हो सकती है, मगर इस लड़की को गिरफ्तार करके जो इन्होंने थोड़ी बहुत अकलबंदी का सबूत दिया है, हम इस खुशी में इन्हें माफ करते हैं। आज से ये लड़की हमारी हिफाजत में रहेगी। उस हिंदुस्तानी का मुकाबला हम खुद करेंगे। देखना यह है कि शतरंज की बाजी में जीत किसकी होती है। याऊ माऊ काओ, काल झुकाओ, कदल मात उठाओ, जलाल के तालाब देखने का मतलब माओ। जनरल का कहना है कि वो हिंदुस्तानी इस लड़की को हासिल करने के लिए कभी भी आ सकता है, न जाने वो कौन से भेष में आए। आप सब चौकन्ने रहिए। हाँ, एक बात और, जनरल ने आप लोगों की इस लापरवाही को माफ कर दिया है। जी, जनरल कोलम कितना नेक आदमी है। जनरल कोलम जिंदाबाद, जनरल कोलम जिंदाबाद, जनरल कोलम जिंदाबाद, जनरल कोलम जिंदाबाद। सर झुकाओ, नजर न उठे, जनरल कोलम के तरफ देखने का मतलब है मौत। ये वही हिंदुस्तानी है जो जनरल कोलम के भेष में आया है। हेलो कमरेड ब्रिगेडियर, क्या हुआ? मैंने पकड़ा, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो जल्दी। देखो जान न पाए, इसके अंदर सुसा बदमाश ही बैठा है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, फेर लो। बेवकूफो, नहीं जनरल कोलम। जनरल जनरल, हाँ समझे समझे, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गया वो हिंदुस्तानी? यहाँ कार में है, हमने उसे पकड़ रखा। जनरल कोलम के भेष में आया है। दरवाजा खोलो, रिवाल्वर बाहर फेंक दो, बाहर निकलो। यही है जनरल कोलम, सर झुकाओ। अब गधों की तरह सर झुका कर क्यों बैठे हो? उठो, जाओ उस बदमाश का पीछा करो, जाओ। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दो, अगर सामने आए तो गोली मार दो। वो देखो, thank you.
डब्बे वाली लॉरी को रोक दो। तुम ठीक कहते हो। भाग जाओ। अरे भाग। नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। आप और मेम साहब एक रास्ते से जाओ, मैं अलग रास्ते से आता हूं। ठीक है, आओ मीना, चलो। अरे वो रे बदतमीज कहां गिर रहा है, चल जल्दी भाई गाड़ी में आते हैं। तुम लोग सभी साहब जाओ, मैं सीधा जाता हूं। कहाँ गया वो? है? कार? गाड़ी में नहीं है? नहीं। अरे हाँ, शिनराज, इस बार तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। मेरे पांच किन्ने तक बाहर निकल आओ, वरना मैं सारे खेत में आग लगा दूंगा। एक दो नहीं नहीं कामरेड चांग, मुझे बेमौत मत मारिए। इस बार आप जीते और मैं हारा। ये देखिए मैं अपना सफेद झंडा ऊपर कर रहा हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करने के लिए पधार रहा हूँ। चलो 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 चलो। कॉमरेड आ रहे, कॉमरेड हुआ। हाँ आ रहे। इस खेत में घुस जाओ और बदमाश को पकड़ कर मेरे सामने लाओ। धोखेबाज बेईमान कहीं का। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। Thank you.
वो लोग आ रहे हैं। माँ जी चलिए। मीना माँ, मीना मीना मेरी बच्ची। थैंक यू कैप्टन। तुम अच्छी तो हो ना? हाँ माँ। बेटा तुमने हमें नया जीवन दिया है, समझ में नहीं आता तुम्हारे एहसानों का बदला हम कैसे चुकाएंगे। माँ कश्तियाँ सबके किनारे पे उतर जाती है। ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। लेकिन बॉस वो बदकम्मा कहाँ है? बदकम्मा बदकम्मा, तेरे होने वाले बच्चों की अम्मा। मेरे होने वाले बच्चों के अब्बा।